और इस वक्त हम आपको बता दें कि सूरजकुंड, हरियाणा के सूरजकुंड में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज आखिरी दिन है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी इस वक्त बोल रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। का भाषण सुना कार्य समिति की बैठक में, थोड़ा बहुत लगा कि इतना भाषण तो प्रमुख रूप से तो राष्ट्रीय परिषद में होना चाहिए, लेकिन दोनों भाषण जो थे, परसों का कार्य समिति का भाषण और कल का राष्ट्रीय परिषद का भाषण, वे इस बात को उभारते थे कि भारतीय जनसंघ के समय से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक हमारी कार्य समिति की बैठक हो चाहे राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो, दोनों का बहुत महत्व है, लेकिन इस कार्य समिति की बैठक का और राष्ट्रीय परिषद की बैठक का लगता है कि हर एक को लगता है कि विशेष महत्व है। और विशेष महत्व होने का कारण यह है कि सामान्यतः मैं स्वयं आपको बताऊंगा कि आज से 15-20 दिन पहले अगर कोई मुझसे पूछता था कि इतनी हालत खराब है इस सरकार की और इतने घोटाले उभर करके आए हैं और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, आपको लगता है कि यह सरकार 2014 से पहले चली जाएगी? मेरा जवाब होता था कि मुझे नहीं लगता। मुझे इसलिए नहीं लगता कि इस समय वैसे वो एक प्रकार से अस्वस्थ है, यह सरकार इतनी अस्वस्थ है कि अगर किसी पेशेंट से तुलना की जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि आईसीयू में है, इंटेंसिव केयर यूनिट में है, कोई यह भी कह सकता है कि वेंटिलेटर पर है, लेकिन वो वेंटिलेटर ऐसा है कि जिसके हटने की संभावना नहीं लगती। मैंने एक बार कहीं लिखा था कि इनके अलाइज तो कई हैं, लेकिन इनके अधिकांश अलाइज ऐसे हैं कि जो इनको बनाए रखने में बहुत उत्सुक नहीं है, लेकिन हां दो एक अलाइज ऐसे हैं कि जिनको देख करके लगता है कि उन अलाइज को मैनेज करने के लिए इन्होंने एक ज्यादा स्थायी अलाय ढूंढ निकाला है और वो है सीबीआई, और उस सीबीआई के सहारे ये चलते रहेंगे। जब तक 2014 नहीं आएंगे तब तक चलते रहेंगे। आज मित्रों मैं कह सकता हूं कि इस अधिवेशन का महत्व इसलिए हो गया है कि हर एक को लगता है कि बावजूद इसके कि वो अलाइज बहुत डिपेंडेबल नहीं लगते होंगे उनको, लेकिन हमको भी लगता है कि ये संभव है कि 2014 तक चलाए। अचानक अभी स्थिति ऐसी आई है कि इन अलाइज में से किसी को लगने लगा है कि जल्दी हो जाए तो अच्छा है, और इसीलिए आज मुझसे कोई पूछता है तो मैं उनको कहता हूं कि ये मुझे लगभग निश्चित लगता है, लगभग निश्चित नहीं कहूंगा, लगभग निश्चित रखता है कि यह सरकार 2014 तक नहीं चलेगी, और हो सकता है कि साल भर पहले भी समाप्त हो जाए और लाइफ सपोर्ट चली जाए, वेंटिलेटर न रहे, छुट्टी हो जाए, और इस कारण स्वाभाविक रूप से जो बातें अभी अभी अध्यक्ष जी ने कही अपने सभा भाषण में, तो हर एक के मन में ये बात है, इसीलिए इतनी सारी रुचि है इस अधिवेशन में कि क्या होगा। मैंने अध्यक्ष जी को ये भी कहा कि हमको इस पर भी सोचना चाहिए कि क्या हम लोकसभा के चुनावों के लिए हर एक क्षेत्र का सोच करके कैंडिडेट्स को फाइनलाइज कर सकते हैं और उस पर सोचना चाहिए। मैं कह सकता हूं आपको, मैंने 1947 में
पंडित नेहरू जी की सरकार बनी थी 1952 में, जब पहला आम चुनाव हुआ था उसके बाद भी लोकसभा के लिए पंडित नेहरू की सरकार बनी थी। उस सरकार से लेकर के और मनमोहन सिंह जी की सरकार तक सभी सरकारों को निकट से देखा है। शुरू के वर्षों में पत्रकार के रूप में देखा, आगे चलकर के पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखा और आगे चलकर के सांसद के रूप में भी देखा, लेकिन ऐसी सरकार नहीं देखी। किसी दृष्टि से भी तुलना की जाए तो वर्तमान सरकार, जिसके प्रधानमंत्री भले चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, लेकिन उसका वास्तविक नेतृत्व कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के पास है। ऐसी सरकार पहले कभी नहीं देखी और उसको क्या कहें। मुझे याद है कि 2009 में जब पहला ऐसा चुनाव हुआ जिसमें औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के नेता वे डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे, क्योंकि 2004 के चुनाव में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे किसी की कल्पना नहीं थी। 2004 का जो चुनाव हुआ था उसमें तो बहुत सारे लोग ये मानते थे कि सोनिया जी शायद होंगी इसके बाद जो प्रधानमंत्री, घोषणा किसी की नहीं हुई थी। लेकिन 2009 में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नेता थे ही, और तब मैंने जब ये टिप्पणी की थी कि ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री भारत ने पहले कभी नहीं देखा, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये अनचैरिटेबल है, इट्स अनफेयर, या आप सही नहीं कह रहे। लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि 2009 के बाद आज 2012 में मेरी कही हुई बात अक्षरशः सही सिद्ध हुई है, अक्षरशः, और अधिकांश लोग भी मानते हैं, क्योंकि जितने सारे बाकी प्रधानमंत्री हुए हैं वे प्रधानमंत्री पद के इस दायित्व में कितनी शक्ति है इस बात को पहचानते हैं। इन्होंने तो अपनी शक्ति ट्रांसफर कर दी 10 जनपद को, और उसके प्रत्यक्ष उदाहरण बहुत दिए जा सकते हैं। अलबत्ता मैं कभी कभी मजाक में लोगों को बताता हूं कि एक बार बड़ा गंभीर मेरे सामने प्रस्ताव आया था कि आप 10 जनपद ले लेंगे। मैंने कहा क्या बात है,